महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर बैंड बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महतपुर तहसील में महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकली। इसमें आसपास के गांव से हजारों की संख्या में पधारे राजपूत समाज के साथ अन्य समाज के गणमान्य जन। शोभा यात्रा में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर भी अपने कबीले के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा का महतपुर में कई स्थानों पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा कृषि उपज मंडी से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुराने बस स्टैंड से राजपूत बोर्डिंग में पहुंची। वहां महाराणा प्रताप और भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया। मंच का संचालन हाकम सिंह डोडिया ने किया। यहां पर समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी और वरिष्ठ नागरिक गण उपस्थित रहे। सभी ने समाज के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। इसके साथ ही वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और शोभा यात्रा का समापन किया। अंतर सिंह रोहिड़ा ने आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत सभी ने भोजन ग्रहण किया और फिर सभी सरदारों ने अपने ठिकानों की ओर प्रस्थान किया। महाराणा प्रताप की मतलब जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। सबसे पहले तो निकाली गई है शहर में कहाँ कला में इसका समापन हुआ है और सबसे पहले समस्त देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या उद्देश्य है इस महाराणा प्रताप जयंती? तो उद्देश्य के हिसाब से थोड़ी मनाई जाती है। हमारे जो महापुरुष है पूर्वज है उनको याद करने के लिए महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। आप अपनी करणी सेना को क्या उद्देश्य मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? करणी सेना को मैसेज की आवश्यकता नहीं है। करणी सेना ने 2 जून महाराणा प्रताप का जिस दिन जन्म हुआ था तो जहाँ उनकी जन्म स्थली थी वहाँ से हमने स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करी जो एक बड़े जन आंदोलन के रूप में भोपाल में उसका समापन हुआ।